सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 के बारे में और इसके फ्यूचर अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी डिवाइस के अंदर जनवरी के बाद में कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी पेच लेकर जो अपडेट है और कोई भी बड़ा यहाँ पर मेजर अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और सैमसंग ऐसे बहुत सारे मिड रेंज डिवाइस है जिनके अंदर आपको 1UI 3.0 और 1UI 3.1 तक यहाँ पे अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं बेस्ड ऑन Android 11। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A30 डिवाइस के अंदर आप लोगों को अभी तक भी कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और बात करेंगे कंफर्म डेट के बारे में कि आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पे कब तक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A30 डिवाइस के यूजर है सो कम्प्लीट इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, सैमसंग के बहुत सारे ऐसे मिड रेंज डिवाइस हैं, सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी A30 और कुछ ही सैमसंग ऐसे डिवाइस हैं जिनको छोड़ के यहाँ पे सभी डिवाइसों को 1UI 3.0 और एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सही से तुम्हें बताओ कि सैमसंग गैलेक्सी A30 है, इसके अंदर हमको अभी तक भी जनवरी का सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट है जो कि यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ है, और 1UI 3.0 और एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पे कब तक देखने को मिल सकता है। सो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके डिवाइस में अपडेट है 1UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 बहुत जल्दी यहाँ पे मई का जो मंथ है, मई के मंथ के अंदर यहाँ पे कंफर्मली देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें मई में कौन सी डेट को मिलने वाला है, सो जब भी यहाँ पे मिड मई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 14, 15, 16 तारीख के अंदर अंदर ही आपको 1UI 3.0 और एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें 1UI 3.0 अपडेट ना मिलकर आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1UI 3.1 और बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11 के साथ में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग ऐसे बहुत सारे मिड रेंज डिवाइस है उनके अंदर भी बहुत ही पहले आपको 1UI 3.1 डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिला था 1UI 2.5 से। अगर आप लोगों को पता नहीं है 1UI 3.0 और यहाँ पर 1UI 3.1 के अंदर आपको कौन कौन से कमाल के फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सो आपको बहुत सारे ऐसे कमाल के मेजर चेंजेस हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी 1UI 3.1 अपडेट के अंदर। सो आप लोग ऊपर आई बटन प्रेस कर मेरी वो वाली वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर ये जब भी अपडेट रिलीज होगा और कोई नई न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल गया कि सैमसंग की ओर से, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।